is a life process, English medium, chapter 6, momentum. It is the livings, living types of momentum, दो तरह को visibles and invisibles. Visibles moment क्या होता है? This moment that is the visibles to naked eye, है ना, मेन बड़े नेक आई. Running of dog और ठूके टाइगर्स, chewing curds of cow, growth of animals and plants, ठीक है. Invisibles moments, the moments that these are नॉट विजिबल, मतलब आपको, मतलब वो अपने नंगे आँखों से नहीं देख सकता, और ये होता है अपने आँखों से देख सकता है, ठीक है. इसेंशियल फॉर मेंटेन लाइफ, लाइफ मेंटेन लाइफ क्या कौन चाहिए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन. इससे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड इन साइड ऑफ बॉडी द ऑर्गेनिज्म, जो मतलब इन साइड आउटसाइड जो होती है बॉडी का एनर्जी ऊर्जा, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन. जैसे टू पार्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक्स और हेटरोट्रोपिक्स. ऑटोट्रोपिक्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब अदर. न्यूट्रिशन मतलब ट्रोप मतलब न्यूट्रिशन. इसका अगला दे हैव नो बायोकैटालिस्ट या फिर एंजाइम, और ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है. ये आपके हरे पौधे में ज़्यादा होते हैं, ठीक है. अगला है हेटरोट्रोपिक्स. हेटरो मीन्स अदर, दूसरे पर. ट्रोप मतलब न्यूट्रिशन. दे हैव द पैटो बायोकैटालिस्टिक और एंजाइम. देखिए उसमें क्या था, उसमें एंजाइम नहीं था, इसमें एंजाइम है. ऑल एनिमल्स में सारे जानवर होंगे, उसमें प्लांट होंगे और फंगी. फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ विच ग्रीन्स प्लांट सिंथेसाइज फूड्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट्स, ठीक है. इसके अंदर में क्या होगा, इसके कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और वाटर भी होगा, ठीक है. 6CO2+12H2O, सनाइटू पर क्लोरोफिल, फिर इससे मिलाकर आपका क्या बन गया, ग्लूकोज. और वाटर 6 रो एटम्स हो गया, कार्बन के इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2. ये आपका बन गया 6, और ये आपका बन गया ऑक्सीजन. क्लियर है दोस्तों. देखो अब आ गया क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स. इससे स्टार्च प्लस आयोडीन मिला दिया तो ब्लू और ब्लैक और कलर्स. हेटरोट्रोपिक्स न्यूट्रिशन डिपेंड्स ऑन द फैक्टर एबिलिटी ऑफ फूड, नेचर ऑफ फूड्स. अब आ गया फूड सोर्स ऑफ फूड प्रेजेंट द ऑर्गेनिज्म, पहला हो गया. अगला है, इसमें है सोर्स ऑफ फूड्स प्रेजेंट द ऑर्गेनिज्म. स्टेशनरी फूड्स, देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड. इसमें सिर्फ होगा हर्बीवर, जो सिर्फ शाकाहारी होता है, ठीक है. और मोबाइल सोर्स का मतलब होता है द सोर्स फूड अदर एनिमल्स हैं, जो कार्निवोर, जो मांसाहारी होता है. देखिए इसमें काऊ, हॉर्स, गोट. इसमें आगे लाइन, टाइगर, फॉक्स. देखिए ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस ऑफ फूड इन हेटरोट्रोप्स, पहला हो गया ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड्स इन साइड द बॉडी, ब्रेक इट डाउन ऑफ फूड्स आउटसाइड, यानी इनसाइड और आउटसाइड. अमीबा के चार होते हैं, फूड पार्टिकल्स, न्यूक्लियस, सीडोफोडिया एंड फूड वेकल्स. ये क्या होता है, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा. हाइयर एनिमल न्यूट्रिशन कंप्लीट इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, इजेक्शन. स्टार्च में अगर आपका फाइलिंस, अभी फाइलिन पेप्सिन क्या होता है मैं आपको थ्योरी में बताऊंगा. अभी मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, इससे नॉलेज आपको बढ़ेगा. फिर मैं इसके बारे में लेक्चर दूंगा बाद में, लेक्चर अगली वीडियो में, ठीक है. माल्ट शुगर और प्रोटीन, अगर पेप्सिन ओवर होगा प्रोटीन प्लस पेप्सिन होगा. डाइजेशन इन मैन, तो इंगेशन ऑफ डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, इगेशन. ह्यूमन बींग्स एलिमेंट्री कैनाल मेजर्स 8 to 10 meters, यानी कि हमारा मुंह से लेकर छोटे यहाँ तक हमारे कितने होते हैं, 8 to 10 meters. इट हैज द फ्लोइंग पार्ट्स, ओरल कैविटी, स्टोमेक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इगेशन. रोल ऑफ द डाइजेशन एंजाइम, सेलिवरी, एमिलाइज, पैनक्रियास्टिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस. देर आर 3 टाइप्स, टाइप्सिस कन्वर्टेड प्रोटीन्स इनटू द पेप्साइड्स, है ना. लिप्टेज कन्वर्टेड फास्टेज इन फैटी एसिड्स, लिम्केज कन्वर्टेड स्टार्च इनटू ग्लूकोज. क्लियर दोस्तों, ठीक है. हम लोग आगे बढ़ते हैं. रेस्पिरेशन, इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज इज ऑक्साइड्स,
टू डिफरेंट प्रोडक्ट अलॉन्ग विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, मतलब इसके अंदर में होगा कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है जो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन उसको प्राप्त करती है, वही हमारा होता है जो सांस रिस्पिरेशन होती है सांस लेने में। टू पार्ट्स ऑफ रिस्पिरेशन, पहला है एनारोबिक्स, तो इसमें अगर ग्लूकोज बैक्टीरिया अगर अगर एक होता है तो इसके अंदर में एक लैक्टिक एसिड होता है, आप लैक्टिक एसिड होता है कार्बन के तीन एटम्स होते हैं और एनर्जी मिलते हैं। अगर अगर ग्लूकोज में जैम्पिस होते हैं एम्पिस होता है तो इथेनॉल मिलते हैं CO2 और एनर्जी, ठीक है। अगला है एरोबिक्स, ग्लूकोज अगर होगा इन साइटोप्लाज्म में तो अगर अब्सेंट होगा ऑक्सीजन में तो इनस्ट में होगा वहाँ इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी होगा। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा ऑक्सीजन का अभाव होगा तो इसमें आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, क्लियर है। इन एनर्जी इसमें कहाँ होगा, मसल सेल में होगा। अगर प्रजेंट ऑक्सीजन का प्रजेंट होगा तो फिर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, इसमें CO2 होती है और ATP होता है और आपको बिजली का घर यानी पावर ऑफ हाउस होती है, फिर CO2 और H2O एनर्जी प्राप्त होती है। अब ATP का नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ADP का एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, AMP का होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये आपका होगा ADP प्लस P एनर्जी प्लस ATP, ATP यानी वाटर, ADP प्लस 30.5 किलोग्राम जूल मोल एनर्जी, ठीक है। एनर्जी रिलीज ऑफ यूज कहाँ, मसल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स, साइक्लोन क्या होती है, जाइलम, वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्ब बाय रूट, वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करेगा, और फाइलम कंडक्ट प्रिपेड फूड फ्रॉम लीव्स। अब आ गया ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम कहाँ कहाँ होता है, एक्सटर्नल नर्व नेयर्स, नसल चैम्बर, इंटरनल नेयर्स, फैनिक्स, लैरिंग्स, ट्रेचिया, ब्रोंची, ब्रोंचिलिस, ब्लड। इट इज़ द फ्लोर्स कनेक्टिव टिश्यू, टू कंपोनेंट, एक होता है पार्टिकल्स कंपोनेंट्स यानी RBC, WBC, प्लेटलेट्स, एक सौ बीस दिन के लिए होता है सब सारे हम जितने भी आपका ये कंपोनेंट है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। लिक्विड कंपोनेंट में प्लाज्मा आएगा, हार्ट ऑफ पंपिंग ऑर्गन्स कौन कौन होते हैं, आर्टरी और आर्ट्रियम जिसका नाम है, और वेंट्रिकल्स, लिम्स क्या होता है, कैपिलर्स और कैपिलर्स सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्रोटीन, चारों इसके अंदर में होते हैं लिप्स में, और वेस्ट और प्रोडक्शन प्लांट, इससे क्या क्या प्राप्त होती है, CO2, एक्सेस वाटर, रेजिन, टेंस, गम्स, ऑक्सीजन। अगर बोला गैसेस प्रोडक्ट में CO2, NH3, फ्लूड्स में यूरिया, यूरिक सेल, अमोनिया, सॉल्ट, सॉलिड में अनडाइजेस्टेड कंपोनेंट ऑफ फूड, एक्सक्रेशंस द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्मड इन द बेबी ड्यू टू द इट्स मेटाबॉलिक्स एक्टिविटीज, रेनल्स एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ मैन जैसे किडनी, यूरेटर्स, यूरेटरनी ब्लेडर्स और यूरेथेरिया, ठीक है, ये आपके इसमें बताएगा, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आने वाली वीडियो पर आप बेल आइकन जरूर दबाइए, फिर आपको मिलता है अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।